दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह पटेल, मंत्री परिवार कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने 5 जनवरी को ओबीसी सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के कमलनाथ आए हुए थे। इस कार्यक्रम ने कई सवाल राजनीतिक हलकों में खड़े कर दिए हैं। पहला, 5 जनवरी को स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की जयंती है। स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा कभी कांग्रेस में नहीं थे, फिर कांग्रेस पार्टी उनकी जयंती क्यों मना रही है? दूसरा सवाल, ओबीसी सम्मेलन को भारत जोड़ो यात्रा क्यों प्रचारित किया गया? शायद ओबीसी सम्मेलन में सवर्णों की भी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तीसरा सवाल, चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी अगर सवर्ण सम्मेलन का आयोजन करें तो क्या उसमें भी शामिल होने कमलनाथ आएंगे? और ओबीसी वर्ग के लोग जिस ढंग से ओबीसी सम्मेलन में सवर्णों को शामिल कर रहे हैं, उस ढंग से क्या सवर्ण सम्मेलन में ओबीसी के लोग शामिल होंगे? कई कांग्रेसी नेता गारंटी से कह रहे हैं ऐसे किसी आयोजन में कमलनाथ नहीं आएंगे। कमलनाथ को क्या लगता है, वह गुटबाजी को इतनी ज्यादा हवा देकर भावी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? एक और सवाल, मंत्री राम खेलावन पटेल के सगे छोटे भाई विजय पटेल का यह एक बैनर पोस्टर देखिए। पोस्टर में जो तारा विजय पटेल दिख रही हैं, तारा पटेल मंत्री राम खेलावन पटेल की बहू है। इस बैनर में स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की फोटो लगाई गई है। किसी भी भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या सतना जिले के कोई भी नेता की फोटो इस पोस्टर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और इस पोस्टर में लिखा गया है 9 वर्ष गणतंत्र दिवस की बधाई शुभकामनाएं, मगर इसे 5 जनवरी को कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन के दिन सार्वजनिक रूप से लगाया गया है। इसके क्या मायने निकाले जाए? इस बैनर में तारा विजय पटेल भाजपा की तरफ से जिला पंचायत सदस्य हैं, वह पदों पर हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं और कांग्रेस सम्मेलन का स्वागत कर रहे हैं। भाजपा संगठन में हो गम तो कार्रवाई करके दिखाएं। सीएम शिवराज ने प्रभारी मंत्री विजय शाह को कमलनाथ के कार्यक्रम पर शायद नजर रखने के लिए सपना भेजा था। प्रभारी मंत्री विजय शाह रामनगर भी गए थे। विजय शाह की खाते हुए की यह फोटो देखिए। पीने की फोटो तो नहीं है, मगर पानी की बोतल लिए यह तस्वीर भी देखिए। प्रभारी मंत्री को जब यह बैनर देखना था, उस समय उनकी आंखों में अचानक धूल ना आ जा गई हो, वह भी 4 पहिया वाहन के बंद कार वाले दरवाजों के अंदर। यह पोस्टर संभवतः यह दास्ता बयां कर रहा है, चुनाव जीतने के लिए ओबीसी एक है, चाहे वह भाजपा में हो या कांग्रेस के साथ। अब इसे सवर्ण नेता या मतदाता किस रूप में देखते हैं वही जाने। मैं कार्यक्रम स्थल पर खाली पड़ी कुर्सियों की बात नहीं करूंगा। मैं अधिकांश कांग्रेस नेताओं के नदारद रहने की बात भी नहीं करूंगा। मैं कमलनाथ की पत्रकार वार्ता में रैगांव विधायक के बैठे रहने और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के खड़े रहने की भी बात नहीं करूंगा। मैं कमलनाथ द्वारा पत्रकार वार्ता में कई सवालों के जवाबों को टाल देने की भी बात नहीं करूंगा। भीड़ जोड़ने के लिए सहारा एजेंटों का सहारा लिए जाने की भी बात नहीं करूंगा। एक ही व्यक्ति को विधायक की टिकट, फिर महापौर की टिकट, भविष्य में लोकसभा की टिकट भी दे दिए जाने पर बाकी कांग्रेसी नेता क्या करेंगे, इसकी भी बात नहीं करूंगा। मगर क्या कमलनाथ सही कर रहे हैं? आखिर विंध्य में वो कौन से बीज बो रहे हैं?
इसका खामियाजा 2023 के चुनाव में कांग्रेस को भी भोगना पड़ेगा। तो क्या कमलनाथ इस गुटबाजी के द्वारा बीजेपी को फिर सत्ता में आने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल कल के सम्मेलन के बाद उठना लाजमी है।